कोयले से लदा ट्रक पलटा, चालक की हालत गंभीर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयले से भरा ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया था। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे के बाद यातायात भी प्रभावित रही। घटना बरका चौकी के गनई गजरैया गाँव के, जहाँ बीते देर रात 2 बजे की बताई जा रही कोयले से लदा एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा जनपद सदस्य रामधनी यादव और समाज सेवी लाले प्रसाद वैश्य को मिलते ही सरई थाना में दी गई जानकारी। वहीं तत्काल घटना की जानकारी मिलते ही सरई थाना और बरका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को बचाने का प्रयास किया। करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रेस्क्यू के बाद यातायात बहाल कर दिया गया, जब तब जाकर चालकों ने राहत की सांस ली। फिलहाल घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश सिंगरौली से मिथिलेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट।